सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति मिठास भरे बोल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जब भी मौका मिलता है ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ किए बिना नहीं चूकते, लेकिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो शायद भाजपा को अच्छा ना लगे। दरअसल इन दिनों ओम प्रकाश राजभर सावधान यात्रा लेकर निकले हुए हैं। उनकी सावधान यात्रा रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में पहुंची। यहां पर जब उनसे भाजपा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, चाहे 2024 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2027 का लोकसभा चुनाव, बिना गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती, यह कटु सत्य है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी तो हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी के बीच में हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को संगठित कर रहे हैं और अपनी पार्टी में ताकत पैदा कर रहे हैं। यह कटु सत्य है कि देश की सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, यह चैलेंज है। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस और बसपा हो, सपा हो, देश का कोई दल हो, सभी लोग गठबंधन से सरकार बना रहे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, सब जगह गठबंधन की सरकारें हैं। तो हम अभी अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं, जब समय आएगा 24 और 27 का चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी विरासत को संभालने और मुलायम सिंह यादव के कौन से गुण को अखिलेश यादव को एडॉप्ट करना चाहिए के सवाल पर सुबह सपा अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि वही बेटा लायक माना जाता है जो पिता से विरासत में मिले मकान की नींव की ईंट को ना उखाड़े। राजभर ने आगे कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बाप की विरासत अगर बाप ने मकान का नींव रखा है तो वह नींव ही बेटा बरकरार रखे, वही लायक है। बेटा उनकी एक भी ईंट ना तोड़े, उस नींव को ही ठीक ठाक रखे तो बेटा वही लायक माना जाता है। ओम प्रकाश ने कहा कि इस समय उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि नेताजी की आत्मा को शांति दें और इन लोगों को दुख सहने की ताकत दें। अभी मेरी यही प्रार्थना है।